हेलो एवरीवन वेलकम आई वेलकम बैक टू माई ट्यूब चैनल कैसे हैं आप सब स्वागत करती हूँ अपना चैनल इंग्लिश बुक टैंकर पर और आई होप मेरे जो वीडियो हैं वो आपके लिए हेल्पफुल रहते होंगे तो ऐसे ही आपके लिए एक अच्छी सी स्टोरी मैं लाती रहूँगी अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू यर फैमिली एंड फ्रेंड्स और वर्ड टू वर्ड की आपको मैं इंग्लिश की हिंदी बताती रहती हूँ और ग्रामेटिकली जो स्ट्रक्चर होता है उसको भी फॉलो करती हूँ और क्या है क्या नहीं स्टोरी कैसे रीड करते हैं ये भी बताती रहती हूँ तो नोटिफिकेशन के लिए ऑल पर करिएगा इससे होगा क्या कि मेरे वीडियो के जो सभी नोटिफिकेशन हैं वो आपको सबसे पहले मिलेंगे तो तो अब स्टोरी जो जो है है वो अपने स्टार्ट करते हैं ओल्ड 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 वाइज वाइज क्रो क्या होता बूढ़ा बूढ़ा मतलब पुराना या जो भी तो क्योंकि एक जानवर की बात हो रही हो या फिर जो लिविंग थिंग्स है तो उसके लिए भाई हम यहाँ बूढ़ा ही लगाएंगे सेंटेंस से पकड़ेंगे so, wise, wise क्रो तो बूढ़ा बुद्धिमान कौवा ठीक है चलिए देखते हैं स्टोरी में क्या है वंस एक बार देयर वॉज अज बनियन ट्री ऑन विच थाउजेंड्स ऑफ क्रोज लिव्ड ठीक है देयर बनियन मीन्स बरगद होता है बरगद के पेड़ को बनियन ट्री कहते हैं सो so, एक बहुत बड़ा था बरगद का पेड़ जिस पर विच जिस पर हजारों कौवे रहते थे ठीक है क्लोज टू दिस बनियन ट्री जो बनियन ट्री था जो बरगद का पेड़ था उसके नज़दीक ट्री के पेड़ के नजदीक था, था मतलब हजारों जो है, वो उल्लू आउल्स उल्लू हैड मेड दियर होम अपना घर बनाया था हेड के साथ भर का थर्ड फॉर्म होता है ना फास्ट वाली तो इसलिए यहाँ पर मेक का मेड हो गया ठीक है हेड है, मेड दियर होम अपना घर बनाया था द आउल्स यूज टू हंट द क्रोज एट नाइट सो जो उल्लू थे आउल्स उल्लू थे किया करते थे क्या हंट हंट यूज टू मतलब कोई काम किया करना ठीक है तो यूज टू किया करते थे हंट शिकार कौवों की रात में ठीक है ऐट नाइट तो यहाँ रात में होगा तो इसलिए इन नहीं होगा रात दूध के साथ रात के साथ दिन के साथ आफ्टरनून के साथ ऐट का ही यूज होता है सो एवरी डे प्रत्येक दिन मिनी क्रॉज वेयर किल्ड बाय द आउल्स ठीक है प्रत्येक दिन बहुत सारे कौवे थे क्या क्योंकि बहुत सारे थे इसलिए वेयर आया हैं किल्ड ठीक है killed, मारे जाते थे बाय द आउल्स आउल्स के द्वारा उल्लू के द्वारा ठीक है द मेन रीजन फॉर दिस वॉज जो मुख्य मेन मुख्य कारण रीजन किसके लिए था भाई था इसके इसके लिए था कि जो कौवे थे नहीं कर सके क्या सी क्लियरली नहीं देख सकते कुड नॉट सी नहीं देख सकते कुड के साथ फर्स्ट uh, फॉर्म है सो so, नहीं देख सक देख सकते क्लियरली साफ से कब एट नाइट रात को वाइल जबकि द आउल्स तो क्या थे आउल जबकि जो आवल से जो उल्लू थे वो थे रात को देखने वाले uh, पक्षी ठीक है रात को देखने वाले मतलब रात को दिखाए जिसको देता है उसको नेचुरल बोलते हैं सो कुड सी वेरी क्लियरली तो वो देख सकते थे सी देख सकते थे सका सकी का सेंस आया है ना तो वेरी बहुत साफ सुथरा से वो रात को देख सकते थे एंड और लोकेट और निशाना लगा सकते थे लोकेट कर सकते थे एग्जैक्टली exactly, वस्तुतः उस जगह पर वेयर जहाँ द क्रॉस वेयर सिटिंग जहाँ कौवे बैठे होते थे ठीक है बैठ रहे थे या बैठे होते थे वेयर के साथ आई एन जी आया है ना ठीक है कंटिन्यूस टेंस तो द पुअर क्रॉज जो अब uh, पुअर मतलब वैसे तो गरीब होता है लेकिन यहाँ पर गरीब नहीं होगा क्योंकि यहाँ अगर उस तरीके का सेंटेंस आया रहता तब वहाँ हम यूज़ करते गरीब का बट हियर क्योंकि यहाँ एक लिविंग थिंग्स की बात हो रही है और एज अ सेंटेंस यहाँ हो रही है कि जो बेचारे यहाँ पर यूज़ होगा बेचारे तो जो बेचारे uh, और हेल्पलेस जो कौवे थे कुड नॉट फ्लाई नहीं उड़ सकते ठीक है अवे वहाँ से टू सेफली सुरक्षित इन टाइम समय में और became ईजी प्रे फॉर द आउल्स और became सेकेंड फॉर्म हो जाते थे ठीक है या इजी बहुत आसानी से प्रेम होता है शिकार फॉर द आउल्स आउल्स के लिए शिकार हो जाते थे आसानी से हो जाते थे बिकेम हो जाते थे शिकार आसानी से आउल्स के लिए ठीक है तो इस तरीके से आप पिक्चर देख सकते हो पिक्चर काफी अच्छा और साफ सुथरा बनाया है तो देखते हैं हम नेक्स्ट क्या होता है सोन जल्द ही द पॉपुलेशन जनसंख्या ऑफ क्रो कौ का बिकेम हो गया ठीक है सेकेंड फॉर्म बिकेम हो गया कंसिडरली कंसिडरेबली लेस कंसिडरेबली मीन्स होता है बहुत या बहुता या बहुत अधिक मात्रा में आ, कम हो गया लेस हो गया कम हो गया यहाँ एक नोटिस करने वाली बात यह है कि कंसीडर मीन्स होता है विचार करना मनन करना लेकिन यहाँ कंसिडरेबली मीन्स होता है बहुत अधिक मात्रा में तो एज ए सेंटेंस जब आप हिंदी करने जाओगे तो पकड़ लोगे कि इसका मतलब यहाँ इस सेंटेंस uh, में क्या होगा ठीक है बहुत मात्रा में कौवे कम हो गए द किंग ऑफ क्रोस जो राजा थे कोवो के वॉस थे वेरी ट्रबल्ड बहुत ज़्यादा परेशान थे बाई दिस रूटीन इस दिनचर्या के द्वारा और जो घटित हो रहा था हैपनिंग जो घटित हो रहा था उसके द्वारा ही कॉल्ड अ मीटिंग उन्होंने क्या किया एक मीटिंग बुलाई ठीक है टू कम अप विथ अ सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम किसके लिए इस पर आने के लिए इस सोल्यूशन पर इस सोल्यूशन का मतलब समाधान होता है इस सॉल्यूशन पर आने के लिए समाधान के लिए टू दिस प्रॉब्लम इस प्रॉब्लम के समाधान के लिए एक कम अप किया एक मीटिंग बुलाई ठीक है आफ्टर अ लॉट ऑफ डिस्कसन बहुत सारे आफ्टर अ लॉट मीन्स बहुत सारे डिस्कसन के बाद डिस्कसन मीन्स चर्चा चर्चा के बहुत सारे चर्चा के बाद फाइनली अंततः द क्रॉ हिट अपॉन अ क्लेवर आइडिया तो उन्होंने एक उनके दिमाग में एक बहुत अच्छा एक चलाकी वाला जो है वो आइडिया आया ठीक है हिट किया क्या किया भाई दे चॉक्ड आउट द डिटेल्स ऑफ दियर प्लान एंड डिसाइडेड टू पुट इट इंटू एक्शन द नेक्स्ट डे ठीक है मतलब उनका जो प्लान था दियर प्लान उनका जो प्लान था वो क्या किया डिटेल्स लेकर के उस प्लान पर और तैयारी शुरू कर दी चार्क मीन्स होता है चार्क आउट मतलब तैयारी शुरू कर देना या फिर चौक चबंद हो जाना ठीक है तैयारी शुरू कर दी और डिसाइडेड और निर्णय लिया टू पुट इसको एक्शन में लाने के लिए इसको क्रिया में लाने के लिए अगले ही दिन पुट इन एक्शन द नेक्स्ट डे नेक्स्ट डे ही इसको एक्शन में क्रिया में लाने के लिए चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या हुआ एज पर द प्लान तो इस तरह प्लान के अकॉर्डिंगली प्लान के अनुसार द नेक्स्ट डे अगले दिन अ ड्रामा वॉज स्टेज्ड नियर द केव ऑफ द आउल्स तो आउल्स के जो उल्लू थे उनके जो गुफा थी गुफा के नज़दीक स्टेज एक स्टेज था जहाँ एक ड्रामा किया गया ठीक है ड्रामा उन्होंने किया कौों ने ड्रामा किया द किंग ऑफ द क्रॉस जो राजा थे कौ के प्रिटेंडेड प्रींस होता है दिखावा करना तो कौ के जो किंग थे उन्होंने दिखावा किया क्या टू बीट अप एन ओल्ड क्रो एक जो वृद्ध कौवा था उसको पीटने का दिखावा किया दे स्प्रिं स्प्रिं मतलब छीट दिया क्या छीट दिया गोट्स ब्लड एक बकरी का जो खून था उस बूढ़े कौवे के ऊपर स्प्रिंकल्ड किया मतलब छीट छिड़क दिया ऑन द ओल्ड क्रो उस बूढ़े कौवे पर टू मेक इट सीम बनाने के लिए टू मेक इट यह दिखाने के लिए सीम दिखाने के लिए और बनाने के लिए सीम एज इफ ही वॉज इंजर्ड एंड ब्लीडिंग ऐसा बनाने के लिए ऐसा बना दिया उसको कि सिम uh, मतलब होता है मालूम होना तो सिम मतलब ऐसा लगता था एज़ ऐसा लगता था कि ही वॉज वह था घायल और खूनी दे देन सॉरी देन दे लेफ्ट हिम लेइंग दियर इन अमिंगली पीटेबल कंडीशन दे तब उन्होंने क्या किया उन्होंने छोड़ दिया उसको दे लेफ्टम उनको छोड़ दिया लेइंग लेटा हुआ देअर वहाँ इन सीमिंगली मतलब ऐसा आ, लगता हुआ मतलब ऐसा मालूम होता था स्विमिंगली मतलब मालूम होना मतलब ऐसा मालूम होता था पीटेबल मतलब मासूम मासूम कंडीशन कंडीशन मतलब होता है स्थिति मासूम कंडीशन में ऐसा लगता था और घायल करके उन्होंने उस कौे को वहीं लेटा हुआ छोड़ दिया ठीक है नेक्स्ट इस पिक्चर को आप देख सकते हो इस तरीके से आ, कौवे के जो आ, किंग थे उन्होंने इस तरीके से कुछ प्रिटेंड किया और छोड़ दिया और ये रहे आउल्स के किंग सो नेक्स्ट सी लेट्स वट सीनियर मिनिस्टर एडवाइज द आउल किंग टू एडमिट द डेड क्रो इन दियर किंगडम तो नेक्स्ट ये हुआ कि जो आउल्स के सुपीरियर मिनिस्टर थे ठीक है मंत्री थे उन्होंने ऐसा परामर्श दिया कि किसको परामर्श दिया द आउल उल्लू के राजा को टू एडमिट क्या करने के लिए अपने पास रखने के लिए किसको द वडेड क्रो घायल हुए वीन्स घायल होना वंडेड क्रो मीन्स घायल कौवे को इन दियर किंगडम अपने क्या है साम्राज्य में किंगडम मीन्स साम्राज्य तो इस तरीके से इन्होंने आ, सुपीरियर ने ऐसा एडवाइस किया ही सेड उन्होंने कहा यो मजिस्ट्री दिस पुअर क्रो हैज़ कम टू बी इन दिस मिसरीएबल कंडीशन बिकॉज ही स्पोक फेवरेली अबाउट अस टू हीज किंग कंडीशन अवस्था मिसरीएबल दुखी यह आया है कौआ ठीक है लाचार मतलब कि लाचार जो कौआ है यह आया है यहाँ दुखी कंडीशन में दुखी अवस्था में ठीक है बिकॉज क्योंकि ही स्पोक फेवरेली मतलब उसने बोला स्पीक का सेकेंड फॉर्म पास्ट में स्पोक उसने बोला क्या फेबरिली मतलब पसंदीदा अबाउट क्या के बारे में अस हमारे बारे में मतलब यहाँ अस मतलब उल्लू के बारे में बात हो रही है टू हीज किंग उसने कहा अपने किंग से किसने कहा उस कौवे ने कहा अपने किंग से के बारे में क्या बोला उल्लू के बारे में ठीक है ही सेड दैट उसने कहा कि आउल्स वेयर ए सुपीरियर रेस एंड स्ट्रोंगर जो उसने कहा किसने कहा ये जो आउल्स के सीनियर थे उसने कहा अपने किंग से कि शायद यह जो कौवा है उसने कहा अपने कौ के हेड से कि आउल्स जो थे वे एक सुपीरियर हैं और स्ट्रांगर हैं मतलब ताकतवर हैं एंड मोर इंटेलिजेंट और बहुत अधिक बुद्धिमान देन देम देन कौ से ठीक है एंड और सो so, आउल्स शुड बी और इस तरह जो आउल्स हैं जो उल्लू हैं शुड बी होना चाहिए क्या रिकोगनाइज पहचाना जाना चाहिए एज द किंग ऑफ बर्ड मतलब जो पक्षियों का राजा होता है उसको रिकोगनाइज करना चाहिए पहचाना जाना चाहिए शुड भी जाना चाहिए आउल्स को ठीक है तो ये जो है पाते सारी वो कह रहे हैं सीनियर मिनिस्टर एडवाइज़ कर रहे हैं अपने किंग को कि शायद इस कौवे को इसलिए ऐसा कर दिया गया है क्योंकि इसने हमारे बिहाफ में बोला अपने क्रॉ के हेड से कि रिकॉग्नाइज करना चाहिए हम उन लोगों को एज द किंग ऑफ बर्ड ठीक है दिस लेड टू हिम बिंग बीटेन ठीक है लेड मीन्स होता है नेतृत्व किया जाना तो शायद दिस लेड नेतृत्व शायद इसने किया म बिंग बिटेन और इसके द्वारा वह बीटा गया मतलब पीटा गया ठीक है ठीक है पास्ट की बात हो रही है इसलिए यहाँ बिटेन हो गया थर्ड फॉर्म द आउल किंग सेड तो जो उल्लू के राजा थे उन्होंने कहा कि लेट हिम इन एंड आने दो उसको अंदर और हेल्प हिम और इसकी मदद करो टू री गेन रीगेन मतलब हासिल करना क्या हिज हेल्थ वो अपने हेल्थ को हासिल आ, करने में मदद करो एंड और ही ंजरीज और उसके जो घाव है उसको हिल करने दो मतलब भरने दो ठीक है सो सो द ओल्ड क्रो तो इस प्रकार जो uh, कौवा था बूढ़ा कौवा था ढोया गया इन टू द केव गुफा के अंदर बाय द ऑयल्स किंग जो उल्लुओ के राजा थे उनके द्वारा सुन जल्द ही द ओल्ड क्रो मेड अ फेवरेबल प्लेस फॉर हिमसेल्फ अमंग द आउल्स ठीक है तो आ, सून मतलब जल्द ही क्या किया जो वृद्ध कौवा था उसने बनाया मेड मेक uh, का सेकंड फॉर्म पास्ट में मेड उसने बना लिया क्या अपना पसंदीदा प्लेस जगह फॉर हिम अपने लिए अमंग द आउल्स उल्लू के बीच तो यहाँ बिटवीन नहीं होगा क्योंकि मैंने आपको बताया था एक वीडियो में कि बिटवीन का वहाँ यूज़ होता है जहाँ सिर्फ दो लोगों की बात होती है बट जहाँ पर एक ग्रुप की और सदस्यों की बहुत सारे सदस्यों की बात होती है वहाँ पर अमंग होता है इसलिए यहाँ पर अमंग हुआ है मोस्ट ऑफ द मिनिस्टर्स ऑफ द आउल किंग्स कोर्ट वेयर इन द ओल्ड क्रोज फेवर तो बहुत जो जनसंख्या थी जो मंत्री थे वो उलू के किंग्स कोर्ट न्यायालय में उन्होंने थे क्या किया इन द ओल्ड काउस फेवर उसके पक्ष में फेवर मीन्स पक्ष में थे किसके वृद्ध कौ के पक्ष में थे ठीक है देयर वेयर ओनली वन और टू वहां थे सिर्फ वन और एक और दो Who, जो अपोज हिम उसके अगेंस्ट uh, में थे उसके फेवर uh, में नहीं थे अगेंस्ट में थे अपोज हिम saying दैट कहते हुए कि आफ्टर ऑल आखिरकार ये एक फ्रेज है after all मीन्स आखिरकार a crow इज एन एनिमी कौवा जो होता है वो हमारा एनिमी होता है सिंपल सेंटेंस है ये बट द ऑपोजिशन वॉज क्वाइट वीक लेकिन था क्या ऑपोजिशन उसके जो विपक्ष थे ऑपोजिशन विपक्ष पार्टी थी उसकी थी क्वाइट बहुत कमज़ोर और द क्रो कम कंटिन्यूड लिविंग विथ द ऑल्स तो इस प्रकार क्योंकि विपक्ष उसका था जो कमजोर था आ, उनकी एक या दो वोटिंग ही थी तो इसलिए वह जारी रखा क्या कंटिन्यूड जारी रखा वहाँ रहना विद द ऑल्स ऑल्स के साथ वन डे एक दिन ही फाउंड उसने पाया ज अपॉर्चुनिटी उसका औशर एंड और बिगन टू पुट और स्टार्ट करने लगा क्या uh, शुरू कर दिया बिगन शुरू कर दिया टू पुट हीज़ प्लान अपना जो उसका योजना था प्लान था योजना था उसको uh, जारी रखना पुट मींस रखना बिगन मैंने शुरू करना या जारी रखना उसका योजना इन टू एक्शन क्या मैं बदलना शुरू कर दिया अपना योजना इट वॉज डे टाइम दिन का समय था सो इसलिए द आउल्स वेयर अनेबल टू सी एनी थिंग इसलिए जो उल्लू थे थे उल्लू अनेबल टू सी कुछ भी देखने में असमर्थ अनेबल मीन्स असमर्थ एनी थिंग कुछ भी बिकॉज क्योंकि ऑफ द सन लाइट क्योंकि सनलाइट के कारण ठीक है सन लाइट था दिन का समय था इसलिए ऑब्वियसली उल्लू जो है वो नहीं देख पाते हैं तो नेक्स्ट क्या हुआ द अपैरेंटली जाहिर तौर पर इंजर्ड क्रोप गॉट अप जो घायल कौआ था वो गॉटअप हुआ एंड ग्रेजुअली और आ, उठा गॉटअप गेट का गेटअप होता है ना उठना तो सेकेंड फॉर्म उसका पास्ट में गॉटअप होता है तो उठा घायल कौआ उठा जाहिर तौर पर घायल कौआ उठा और धीरे धीरे ग्रेजुअली मीन्स धीरे धीरे मेड अ पाइल बनाया क्या अ पाइल पाइल मीन्स होता है ढेर ऑफ अ थाउजेंड्स वुडन Uh, हजारों जो means लकड़ी वुड मीन्स लकड़ी ना ऑफ अ थाउजेंड्स वुडन हजारों लकड़ियों का जो ढेर है पाइल ढेर है उसने बनाया लॉक्स एट द माउथ ऑफ द आउलस्केब कहाँ पर जो गुफा थी उसके मुंह पर ठीक है एट द माउथ मुंह पर ऑफ द आउलस्केब उल्लुओं की गुफा जो थी उसके मुंह पर जो है वो ढेर सारा uh, बनाने लगा लकड़ियों का ढेर ठीक है थाउजेंड्स देन तब ही वह सेट फायर उसने आग लगाई टू द लॉग्स लॉग उस मीनस होता है लकड़ी तो लकड़ियों को उसने आग लगाई द फ्लेम्स लिप्ट हाई एंड शून जो फायर लगाई थी उसने द फ्लेम जो आग फ्लेम मीन्स आग लिफ्ट लिफ्ट मीन्स होता है जोर से ठीक है हाई ऊपर जोर से ऊपर जाने लगा और जल्द ही द होल केव और जल्द ही जो पूरा गुफा था इंक्लूडिंग ऑल द आउल्स लेते हुए सबको जोड़ते हुए सबको जो उल्लू थे उसको इनसाइड इट अपने अंदर ठीक है वेयर बर्न डाउन टू बर्न डाउन टू असेस बर्न डाउन मतलब होता है जला देना अशेस मीन्स होता है खाक तो इस प्रकार जो था वो बहुत ज़्यादा फ्लेम जो था वो हाई होने लगा और जल्द ही उसमें पूरा जो गुफा था वो समा गया विथ आउल्स उल्लू के सहित समा गया और जो सभी उल्लू थे वो बर्न डाउन हो गए जलकर खाक हो गए ठीक है होप ये स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी और मोरल इसका ये है मतलब ये जो कर्म का खेल है वो ऐसे ऐसे चलता है और जैसा आप कर्म करोगे आपके साथ भी ठीक वैसा ही होगा इस स्टोरी का यही मोरल था तो आई होप मैंने बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया सारी जो स्टोरी थी उसको तो प्लीज गॉड ब्लेस यू और रखिए ख्याल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाय बाय